तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सारे फॉर्मूले पढ़े थे। एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था, पैरेललोग्राम, रॉम्बस, रेक्टेंगल एंड अदर शेप्स हमने पढ़े थे, करेक्ट है? तो इसमें हम लोगों ने ट्राइंगल में पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो हमने देखा था अगर ये एन और पी, ये अगर बेस है तो परपेंडिकुलर हाइट जो है थर्ड वर्टिस के साथ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होगा हमारा हाइट, ठीक है? फिर हम लोगों ने जब पैरीमीटर पढ़ा था तो पैरीमीटर का मतलब हमने पढ़ा था बाउंड्री, तो सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स यानी कि इन तीनों साइड का सम, ये हम लोगों ने पढ़ा था पैरीमीटर के बारे में। इसी तरह जब हमने पैरेललोग्राम और रॉम्बस पढ़ा था तो हमने यही पढ़ा था ये जो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग बेस है, तो बेस के साथ इन पैरेलल लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम हाइट कहेंगे। तो एरिया क्या होगा? बेस इंटू हाइट, चाहे रॉम्बस हो चाहे ये पैरेललोग्राम हो, है ना? अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होते हैं, करेक्ट है ना? तो ये पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जैसे ये अगर मैं रॉम्बस लेता हूं तो दीज टू साइड्स आर पैरेलल, तो इनके बीच में ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसको हम बोलेंगे हाइट। तो एरिया क्या बना इसका? बेस इंटू हाइट। बट जब बात हम करेंगे इनके पैरीमीटर, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो इन सबको ऐड कर दो, ठीक है? तो मान लो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो 2l प्लस b, है ना? 2l प्लस b, ये हमारा आ गया पैरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। इसी तरह रॉम्बस में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर ये a है, ये a है, तो ये भी a होंगे, तो पैरीमीटर क्या हो जाएगा? 4a। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अब यहां पे रेक्टेंगल देखते हैं। रेक्टेंगल क्या है? वो भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, करेक्ट है ना? वो भी एक तरह का पैरेललोग्राम है। तो ये इसका मान लेते हैं लेंथ है और ये इसका ब्रेथ है, तो एरिया क्या हो जाएगा? l इंटू बी, मैं इसको l इंटू बी कर देता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये जो डिस्टेंस है दो पैरेलल लाइंस के बीच में ऑलरेडी परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है, तो हमें यहाँ पे अलग से जैसे पैरेललोग्राम में ये हाइट निकालनी पड़ती है, यहाँ पे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, डन। अब यहाँ पर देखेंगे इसका पैरीमीटर, तो पैरीमीटर बिल्कुल पैरेललोग्राम की तरह, क्योंकि बाउंड्री है, तो 2l प्लस b, ठीक है? अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट शेप के ऊपर। नेक्स्ट शेप है हमारे पास स्क्वायर। तो स्क्वायर में आपने पढ़ा था कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ये अगर ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो इस ए बी सी डी में आपने देखा कि ये ऑल साइड्स इक्वल होंगे, तो साइड इंटू साइड, अगर ये ए है तो ये भी ए, तो एरिया क्या हो जाएगा? ए इंटू ए स्क्वायर। और जब हम बात करेंगे इसके पैरीमीटर की, तो सम ऑफ द ऑल फोर साइड्स, तो फोर साइड का सम किया तो क्या हो जाएगा? 4a, तो ये हमारा हो गया पैरीमीटर। देन इसके बाद देखते हैं ट्रेपेजॉइड या ट्रेपीजियम, ठीक है? ट्रेपीजियम या फिर ट्रेपेजॉइड कुछ भी कह सकते हैं आप। तो यहां हमने पढ़ रहा था हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड का क्या है यहां पर? एम आर एंड एन पी, तो इसको एम आर प्लस एन पी ये लिख सकते हैं आप, इनटू हाइट। हाइट हमेशा इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको बोलेंगे हाइट। तो ये हो गया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, और इसका पैरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल द फोर साइड्स। तो ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था, है ना? तो यहां पर अब लास्ट रह गया सर्कल, तो सर्कल को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो सर्कल में हम लोगों ने पढ़ा था जो सेंटर से लाइन पास करते हुए जाता है उसको हम बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं उसको? डायामीटर। और सेंटर से जो सर्कल तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम रेडियस, ये आप लोगों ने पढ़ लिया था। तो रेडियस क्या होता है? रेडियस हमेशा डायामीटर का हाफ हो जाएगा। जब हमने एरिया पढ़ा था तो एरिया पढ़ा था हमने सर्कल का पाई आर स्क्वायर, और पैरीमीटर पढ़ा था हमने 2 पाई आर,
ठीक है, अब इनको यूज करेंगे हम लोग, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर कुछ बेसिक से फंडामेंटल क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल 11 देख रहे हैं, ये फिगर देख रहे हैं, एबीसीडी आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ। तो याद होगा आपको पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट जब हमने किया था तो वहां हमने क्या पढ़ा था, ABCD is a parallelogram in which AB equals to 8। आपको क्या दिया हुआ है, AB जो है ये 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो अगर ये AB 8 सेंटीमीटर है तो DC भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। बिकॉज आपने पढ़ा हुआ है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, इसी तरह आपको यहां पर ये जो AD दिया हुआ है ये हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो BC भी हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, करेक्ट है। तो यहां पर देखेंगे ये जो AE यानी जो परपेंडिकुलर हाइट बिटवीन द पैरेलल लाइंस AB एंड CD दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें 4 सेंटीमीटर। तो यहां पे हमसे पूछ रहा है फाइंड द ऑल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द साइड AD। तो AD ये रहा, उस AD से करस्पॉन्डेंस हाइट निकालना है। तो मैं फिगर को एक बार क्लियर करके फिर से इसकी एक, अगर देखो हमने इसको बेस माना है, अगर AD को बेस माना है तो हमें यहाँ पे करस्पॉन्डेंस हाइट निकालना है, तो परपेंडिकुलर हाइट निकालना है। तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइट, जिसका नाम मैं CF दे देता हूं, ठीक है, ये मैं CF दे देता हूं। तो अभी आप देखेंगे ये परपेंडिकुलर हाइट हो गया, तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड टू द साइड AD। तो हमें यहां पर एक्चुअल में ये CF फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। तो देखो अगर ये निकालना है तो एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD जो आप लोगों ने पढ़ा है, बेस इनटू हाइट, तो इसको यूज करेंगे हम, बेस इनटू हाइट को। और यहां पर बेस इनटू हाइट में आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम एक बार क्या करेंगे, इस डीसी को बेस लेंगे तो हाइट हमारा क्या होगा, AE। तो ये हो जाएगा डीसी इंटू AE। सेम एरिया ऑफ ABCD अगर मैं बेस लेता हूं AD, ध्यान से सुनेंगे, बेस लेता हूं AD, यहां पे AD, तो हाइट क्या हो जाएगा CF, हाइट हो जाएगा CF। अब इसका क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर दो। तो यहां पे हम CF की वैल्यू निकाल लेंगे। हमने पढ़ा था अभी कि ये जो हमारा, ध्यान से सुनेंगे, ये जो हमारा CD है ये AB के बराबर है, और AB हमें क्वेश्चन में 8 दिया हुआ है, तो ये CD आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर इनटू AE जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहां पर AD क्योंकि हमें BC दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो AD भी हमारा कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर इनटू CF। अब आप इसको कैलकुलेट करके CF निकाल सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये 8 4 32 और डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गया आपका 16/3, कितना रहा ये 16/3 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका ये जो करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड टू द साइड AD है यानी कि CF, ये आ गया आपका CF। तो हमें क्वेश्चन में यही निकालना था, ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया होगा। अभी आप यहां पे एग्जांपल 12 रीड करेंगे सभी बच्चे, तो इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर देखो क्या कह रहे, अ रेक्टेंगुलर शेप स्विमिंग पूल
विथ डायमेंशन 30 मीटर 20 मीटर। तो यहां पर आप देख रहे हैं, ये हमें, मैं इसको ऐसा करता हूं, आउटलाइन कर देता हूं एबीसीडी से। तो ये जो एबीसीडी रेक्टेंगल देख रहे हैं, ये हमारा एक्चुअल में स्विमिंग पूल है, जिसके डायमेंशन दे रखे हैं। ये 30 मीटर लेंथ है, ये मान लेते हैं लेंथ दिया हुआ है 30 मीटर और ये ब्रेथ दिया हुआ है 20 मीटर। कह रहे हैज 5 मीटर वाइड सीमेंटेड पाथ अलोंग इट्स लेंथ। अब ये लेंथ है, तो लेंथ के साथ 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 ये क्या है, 5 मीटर का क्या किया इन्होंने, ये 5 मीटर का दोनों तरफ 5 मीटर का इन्होंने एक लेंथ, ये विड्थ तैयार कर दी है, ठीक है, ये चौड़ाई सीमेंटेड रास्ता बनाया है, ठीक है। फिर यहां पर देखो, इन्होंने दूसरी जो ब्रेड्थ के साथ है, ब्रेड्थ के साथ साथ इन्होंने 8 मीटर की चौड़ाई का एक रास्ता बनाया सीमेंटेड, ठीक है। ये कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें एक्चुअल में ये जो सीमेंटेड बाहर बाहर जो बनाया है स्विमिंग पूल के बाहर, इमेजिन करो, ये चैप्टर इमेजिन करने वाला है, ये जो बाहर बाहर बनाया है इसका कॉस्ट पूछा है। तो इसका कॉस्ट पूछा है, तो सबसे पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा ना, कि कितना सीमेंटेड एरिया बनाया गया है। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखो, मैं ऐसा करता हूं, पहले एक रेड लाइन से मैं आउटलाइन तैयार करता हूं। ये देखेंगे, ये जो रेड लाइन से बड़ा वाला रेक्टेंगल देख रहे हैं, बड़ा वाला रेक्टेंगल, इस बड़े वाले रेक्टेंगल से अगर मैं ये अंदर ब्लू लाइन वाला जो आउटलाइन से मैं बना रहा हूं अभी, ये ब्लू वाला रेक्टेंगल अगर माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो बचेगा एरिया, यही वाला तो बचेगा सीमेंटेड वाला। तो हमें अगर इस सीमेंटेड एरिया निकालना है, तो बड़े वाले इस रेक्टेंगल के एरिया में से स्विमिंग पूल का जो छोटा वाला एरिया है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, बड़े वाले का मेजरमेंट हमें नहीं दिया हुआ है, तो वो मेजरमेंट हम सबसे पहले निकालेंगे। देखो ये तो हमें पता है कि यहां से लेकर यहां तक, ध्यान से देखो, ये जो मेजरमेंट है ये हम लोगों को ऑलरेडी दिया है, जो कि 30 मीटर है, और यहां से यहां तक का जो मेजरमेंट है वो है 8 मीटर। फिर इसी तरह यहां से यहां तक का जो मेजरमेंट है ये भी दिया हुआ है 8 मीटर, करेक्ट है। तो ये आपको पता चल गया कि ये जो पूरा लेंथ है, पूरा ये कितना हो गया, 30 + 8 + 8 दैट इज 46 मीटर। फिर अब देखो ब्रेथ निकालते हैं बड़े वाले रेक्टेंगल के लिए। तो ये तो हमें दिख रहा है कि यहां से लेकर यहां तक का ये हमें दिया हुआ है 20 मीटर। अब ये जो दिया ये 5 मीटर दिया हुआ है, और ये जो ऊपर दिया ये भी हमें 5 मीटर दिया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा, 20 + 5 + 5 जो कि हो गया 30 मीटर। तो यहां पे एरिया ऑफ आउटर बाउंड्री, मैं कह देता हूं आउटर रेक्टेंगल कह देते हैं, ये क्या आएगा, एल इंटू बी दैट इज 30 × 46। अब इसमें से हमें माइनस करना है अंदर वाला, तो अंदर वाला एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल या स्विमिंग पूल कह दो, तो ये माइनस करना है, जो कि कितना है 30 × 20। अब इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन तो आप लोग मुझसे भी फास्ट करते हैं, तो जल्दी से अपनी अपनी कॉपी में इसका कैलकुलेशन करके दिखाओ। शाबाश, जल्दी से कैलकुलेशन सभी बच्चे करके आंसर बताएंगे मेरे को क्या आ रहा है। तो यहां पर आप लोगों ने किया, तो देखो ये 30 दोनों में है, तो 30 तो मैं कॉमन निकाल लेता हूं, यहां बच जाएगा 46 - 20। तो ये आ गया 30 × 46, में से 20 माइनस किया 26 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 × 12 = 7 7 80 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर देखो ये जो सीमेंटेड पाथ है, सीमेंटेड पाथ मैं यहां पे लिख देता हूं, एरिया ऑफ सीमेंटेड पाथ ये आ गया हमारे पास 780 मीटर स्क्वायर।
बट क्वेश्चन में हमने क्या निकालना, रेट ऑफ 200, जो रेट दिया हमें यहाँ पे 200 पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो बेटा जी क्या करने का अपन को, यहाँ पे करना है ये जो एरिया आया है 780, इसको मल्टीप्लाई कर दो 200 से, तो ये कितना आएगा, ये आ गया 156,000 रुपीज, यानी कि 156,000 156,000 रुपीज आया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में एक बार जल्दी से लिखकर बता दो, जिन बच्चों को समझ में आ गया है यस लिखेंगे, जिनको नहीं आया है रिपीट लिखेंगे। 780 था। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है आपके लिए, एग्जांपल 13 जल्दी से करके बताएंगे आप लोग। एग्जांपल 13, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 33 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो यहाँ पर देखो बेटा, हम लोगों ने पढ़ा था कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है। मान लो ये सर्कल है तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा, हमने पढ़ा था जो बीच से सेंटर, ध्यान से देखो ये जो बाउंड्री है इसकी, ध्यान से देखो ये जो आउटर बाउंड्री है, मान लो इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और ये वन राउंड कंप्लीट करके वापस मैं इसी पॉइंट पर आ जाता हूँ, तो ये मेरा सर्कमफ्रेंस कहलाएगा, यानी पेरीमीटर, जो कि क्या होता है, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 33 सेंटीमीटर। और ये मान लो सेंटर है, तो सेंटर से ये बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या होता है, आर। और हमें क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया, तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आपका काम है आर की वैल्यू निकालना, तो यहां पर इसको सॉल्व कर देते तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 33/2π cm, करेक्ट है। अब क्या करेंगे, इस एरिया के फॉर्मूले में ये आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या है, पाई इंटू आर की जगह पे क्या लिखेंगे, 33 बाई 2 पाई, तो यहां पे लिख दो 33/2π, यहां पर इंटू 33/2π। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, तो ये तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। चलो जल्दी से सॉल्व करके बताओ, देखो पाई से पाई कैंसिल कर दो, 33 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 33 का स्क्वायर, ये आ गया आपका 1089 डिवाइडेड बाय ये 2 × 4π। तो हालांकि पाई के वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो कि क्या है 22/7। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप पाई के फॉर्म में भी आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है बेटा, यस। चलो चलो बाकी बच्चे यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 पे फोकस करेंगे जल्दी से। अभी क्वेश्चन नंबर 10 जो है, एग्जांपल 10 यहाँ पे रीड करेंगे। और नर्सरी स्कूल प्लेग्राउंड इज 160 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर वाइड। तो देखो मान लेते यहाँ पर मैं आउटलाइन तैयार करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, देखो एक रेक्टेंगुलर शेप में ये प्लेग्राउंड है, ये पूरा ए बी सी डी, अगर मैं लिखता हूँ ये ए बी सी डी पूरा क्या, एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है जिसका लेंथ हमें टोटल दिया हुआ है 160 मीटर, और ये जो हमें दिया हुआ है 80 मीटर है। तो ये तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है। तो यहां पर ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं अगले लाइन में, इन 80 by 80 meters is kept for swings and in the remaining portion there is 1.5 meter wide path parallel to its width and parallel to its remaining length as shown in the figure. The remaining area is covered by grass. Find the area covered by the grass. तो चलो ये तो आपको समझ में आ गया कि total length कितना है। अब कर इसका half कर दो, ये हमने कर दिया half, तो ये आ गया 40 मीटर इधर, 40 मीटर इधर, और ये ऑलरेडी 40 हमें दिया ही हुआ था, ये हमें सॉरी 80 है, मैंने यहाँ पर 160 था ना, 160 का हाफ हो गया 80, तो ये हमें 80 दिया हुआ है, तो ये हमारा 80 मीटर। तो कह रहे ये जो 80 by 80 का पोर्शन है ये सिंपल प्लेग्राउंड रखा हुआ है,
जैसे बच्चों के खेलने कूदने के लिए, और ये बाकी का जो पोर्शन है, अब देखो ये सेकंड हाफ मैं इसको ऐसे रेक्टेंगल में बनाता हूँ, तो यहाँ देखो ये जो बाकी का पोर्शन है, कुछ पोर्शन पे घास लगा रहे हैं और कुछ जैसे एरिया छोड़ दिया पैदल आने जाने के लिए, जैसे पार्क में देखते हैं ना, पार्क में कि क्या एक पेडेस्ट्रियन बना होता है और दोनों तरफ घास होते हैं, झूले होते हैं, वैसा ही कुछ बनाया हुआ इन्होंने। तो इसको अच्छे से समझेंगे तो हम अब सिर्फ इस हाफ पोर्शन की बात करेंगे, बाकी इसको हम भूल जाएंगे। तो ये जो हाफ पोर्शन है, ये तो पता है कि ये हमारा 80 मीटर है और ये भी 80 मीटर है। अब इसमें करें ये जो पाथ बनाए, ये 1.5 मीटर का है। तो अगर मैं इस 1.5 मीटर को हटा दूं तो यहां से यहां तक का ये लेंथ कितना बन जाएगा, ये 80 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 78.5 मीटर। ये तो सबको समझ में आ गया होगा, करेक्ट है, ये क्या हो जाएगा 78.5 मीटर। अब यहां पर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये जो लेंथ है ये हमें पूरा 80 का 80 दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, हमें तो एरिया कवर्ड बाय ग्रास निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, ये जो पाथ है इसको भी मैं कैंसिल कर देता हूं, इसको भी नहीं लेता। अब इतना पोर्शन रह गया, यानी कि 80 × 78.5 जो एरिया है, ये मेरा घास वाला प्लस ये जो बीच में देख रहे हैं ये एरिया है। तो ऐसा करते हैं, बीच वाले एरिया को कर देते हैं माइनस, तो ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की कितनी होगी, ये भी तो 78.5 मीटर ही होगी, और ये जो पाथ बनाई है 1.5 है, तो इसका एरिया कितना होगा, 78.5 × 1.5, क्योंकि देखो ये तो लेंथ 78.5 है यहां से यहां तक, बट ये जो बीच में चौड़ाई दे रखी थी ये हमें 1.5 दिया है, तो बीच वाला ये जो मैं डार्क कर रहा हूं इसका एरिया क्या होगा, 78.5 × 1.5। तो ये पूरे एरिया में से ये जो पतला सा स्ट्रिप, ये जो पाथ निकला, इसको माइनस कर दो, तो ये जो पोर्शन बचेगा ये ग्रास वाला पोर्शन ही तो बचेगा, और हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है फाइंड द एरिया कवर्ड बाय द ग्रास, तो ये हमने निकाल दिया। चलो अब जल्दी से इसको सॉल्व कर दो, चलो शाबाश, मुझसे पहले सॉल्व करके दिखाएंगे, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, जल्दी से करेंगे। पहला तो देखो 78.5 दोनों में तो कॉमन आ जाएगा, ऐसे निकाल लो, यहां बच गया 80 − 1.5, ये क्या आ गया 78.5 × 78.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मैंने आपका काम और आसान कर दिया है, तो शाबाश जल्दी से मल्टीप्लाई करो। चलो शाबाश, तो आप लोगों ने कर लिया होगा इसको, अब जल्दी से ऐड कर लो, ये हो गया 5 × 2, ये कितना हो गया 22, कैरी 2, 3, 2, 5, 6, 7, 6, छः सात आठ नौ दस ग्यारह वन सिक्स। अब देखो दो डेसिमल है तो यहाँ पे दो डेसिमल, तो आंसर आ गया 6162.25 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे सभी बच्चों ने कैलकुलेट करके मुझसे भी पहले आंसर दे दिया है, वेरी गुड, 6162.25 मीटर स्क्वायर, वेरी गुड। तो चलो ठीक है, आज का लेक्चर फिर यहीं फिनिश करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।